माने सिया ने हमारे ब्रीफकेस से नोट गायब कर दी और कुछ नोट निकाल के मनन पाहुन जी की जेब में डाल दी ताकि शक की सुई उधर घूम जाए और वो फंस जाए और इसी मैटर में ससुराल से बाहर कर दिए जाए। नहीं, ये सब मानने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है। कोई बहुत ही घटिया दिमाग वाला इंसान ही सोच सकता है ये सब। इलेओ, सुपवा बोले तो सुपवा, चलनियों बोले जेकरे में 72 छेद, पूरा लाख रुपया हजम करके बैठी है ई मेंढकी महारानी और हमरे दिमाग को घटिया बता रही है। लेकिन बात ई समझ में नहीं आ रही है कि 50,000 तो हम ही खींच लिए थे, फिर अगर सिया ने चुराया होगा तो 1,00,000 चुराया, फिर 1,50,000 रुपया कहाँ से ले आई? अब अटकलें लगाने का कोनो फायदा नहीं है, सच तो सामने आ ही गया, बस देखना यह है कि अम्मा जी इस गुनाह का न्याय क्या करती हैं। हम तो चाहते हैं इस घर में देवी देवताओं का वास रहे बस। अब ऐसे लोग घर में रहेंगे तो एक दिन अखबार में खबर छप जाएगी, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आएगा कि एक परिवार में सुबह एक को छोड़कर सारे घर के सदस्य हमेशा के लिए सो गए और जिस औरत पे शक है वो फरार। अब कल को इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब सिया ने 50,000 ही चुराए थे तो पूरे 1,50,000 का इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? कटोरी, जाके अम्मा से पूछो और कितना टाइम लगे, मुझे जवाहर स्टेडियम निकलना है। हम अभी पूछ कर बताते हैं। समर, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हमें भी वहां परेड ग्राउंड छोड़ देना। ठीक। ए, अम्मा आई नीचे? जी नहीं। कितना दिन से हमारे घर में काका उत्पात मचा बा, देखना तुम अम्मा ना अभी छोटकी दुलहिन को छोड़ेंगी ना। अब तू कस कस हुए बाहर आए हो, बिजली गिरा तो रे ऊपर कस का बाबा? जो कुछ भी सिया के साथ इस घर में हो रहा है और जो सब लोग उसके साथ कर रहे हैं वो सरासर गलत है। हम सिया को अच्छे से जानते हैं, वो चोरी जैसा काम कभी कर ही नहीं सकती। तो अब तुम तिरकाल दर्शी भी हुई हो, हैं? बड़े दावे के साथ कह रही, जब वो एक बार कह रही है कि चोरी उसने किया है तो मतलब कि वो चोर है। पर नहीं, इस बात पे भरम है तुमको, भले उसके चक्कर में तुम्हारे पति परमेश्वर जहन्नुम में चले जाए तुमको काहे फर्क पड़ेगा? क्यों जानते हैं, बड़ा मोह माया जागा है उसके चक्कर में। चलिए, मोह माया जागा है ना, आज वही के चक्कर में हमारा भविष्य खतरे में पड़ा है। एक यार तू हो और एक बार हमारे अभिनंदन भाई 50,00,000 रुपया देवे में उनका रुआ रुआ मुरझान चला जाए, अब पता ना 75,00,000 रुपया देवे में उनका जान कहाँ अटके और प्राण कहाँ अटके। अम्मा की जगह अगर हम होते ना तो फैसला 2 मिनट में लेते, खैट से पूरा का पूरा 75,00,000 रुपया ओके बाप से रखवा ले, जब बुद्धि बात तुरंत ठिकाने आ जाता फैट से। ले शुक्ला जी, कैसे कहें इनसे कि हमारे पूरे घर में कल रात से क्या भूकंप आया है जो हमने एक नाम नहीं ले रहा है। बात कर बेटे, ले कर कुछ बोल। जी प्रणाम शुक्ला जी, बस निकल ही रहे थे घर से, हैं तन्निक चाय और 2 बिस्कुट खा के। जी अरे पूरा फिर पूरा पैसा, आधा पैसा ले कोई मतलब है? कितना बखत हो रहा है पता नहीं, कब लगेगा यहाँ अम्मा का दरबार,
अम्मा उन्हें पता नहीं क्या सोच रही है। जल्दी फैसला सुनाए, उसके बाद ही हम पैसा उल्सा भी ले पाएंगे उनसे। जी, सासु माँ की तबीयत कैसी है अब? कमाल है सिया बहू, क्यों पूछ रही हो तुम अपनी सासु माँ का हाल? तुम्हें अगर वाकई अपनी सासु माँ की इतनी चिंता होती तो तुमने क्यों किया ये सब? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो जिए या मरे? ऐसा मत कहिए, सासू माँ को कुछ नहीं हो सकता। भगवान करे हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। सिया बहू, किस मिट्टी की बनी हो? भाऊजी, हम आपका मतलब नहीं समझे। पता नहीं है तुम्हारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य कि तुम्हारे ससुर पुलिस में अफसर रह चुके हैं। हम पहचानते हैं कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। क्यों क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों दे रही हो इतना बलिदान? वो सासू माँ जो तुम पर इतने सारे इल्जाम लगा रही है, तुम अपनी उम्र देकर उन्हें दुआएं दे रही हो? हम जानते हैं कि यह चोरी तुमने इल्जाम अपने सर पर इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारे सासू माँ की जान बच जाए। क्या कहे बेटा, हमारे बेटी बेटियों ने वो नहीं किया जो तुमने कर दिखाया। पाहुजी, आपको हमारी कसम, आप किसी से कुछ मत कहिएगा, वरना ना जाने सासू माँ खुद को क्या सजा देंगी। उठो। पाहुजी, ये घर हमारा है और अनजाने में अगर किसी से गलती हो भी गई तो उस गलती को अपने सर लेने में हमें कुछ गलत नहीं लगता। क्यों? घर के लोग ही एक दूसरे पे तोहमत लगाएंगे तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। बाबूजी, हम बिल्कुल नहीं चाहते इस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो। खुश रहो, खूब खुश रहो। पता नहीं हमारे घर वाले क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि समर की पत्नी के रूप में हम साक्षात लक्ष्मी लेकर आए। हम ध्यान रखेंगे तुमने जो कुछ भी कहा है बेटा, पर ये बताओ ये पैसे तुम कहां से लेकर आई हो? बोलो। बाबूजी, मालकिन नीचे बुला रही है। Thank you.
इस घर में जो भी हुआ है वो इस घर के इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुत ही शर्मनाक बात है। देर से ही सही पर चोर हमारे सामने है। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि अगर चोरी करने वाला हमारे सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो हम उसे कोई सजा नहीं देंगे। और हम इस बात पर कायम हैं। छुटकी बहू ने पैसे लाकर हमें वापस कर दिए और उसे इस बात का प्रायश्चित भी है, इसलिए दोबारा इस घर में इस बात का जिक्र भी नहीं होगा। लेकिन अम्मा, ये पूरे चोरी का खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ा ना, और आप कह रहे हैं कि जिक्र तक न करेंगे। हाँ अम्मा, बलबल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप ये भी तो सोचिए, आज तो सिर्फ चोरी की है, कल को कुछ और हो गया तो? सवारों की बात में दम है माँ जी, इसिया की हिम्मत तो बहुत ही बढ़ गई। अब क्या पता कल को ये किसी भी हद को पार कर जाए, हमें तो डर लग रहा है इससे। सब देखते हैं टीवी पे वो न्यूज चैनल वाले आजकल का कुछ दिखाते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि साफ साफ चेतावनी है, चेतावनी। बस हम सब की सुन चुके, अब इस बात का दोबारा इस घर में जिक्र भी नहीं होगा। हमारी तरफ से छुटकी बहू को कोई सजा नहीं। अम्मा, आपकी तरफ से कोई सजा हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी तरफ से है। मतलब ये कि मैं इस घर में किसी चोर के साथ नहीं रह सकता। इनकी सजा ये है कि ये इस घर में नहीं रह सकते और इन्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। और जब तक सिया जी इस घर से नहीं जाए, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हम का कह रहे थे कि अगर कोनो चूहिया पे तरस खा के अपनी नाव में बैठाओगे ना तो बदल थोड़े ना जाएगी, पहले वो उसमें छेद करेगी फिर उसको डुबाएगी। यही खातिर कह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके हमारे घर से बाहर निकालिए। तुम्हारे एकदम सही सोच रहा है। ठीक कह रहे हैं बलबल भैया, मैडम जी की एक खुराफात की वजह से सारे रिश्ते घर में खड़बड़ा गए। हम लोग आपस में एक दूसरे पर शक करने लगे थे, इसलिए आगे से ऐसी नौबत ना आए, इसलिए समर का फैसला बिल्कुल ठीक है। और जब समर बबुआ ही छुटकी देवरानी के साथ खुश नहीं है तो का फायदा, ये चाहे रहे चाहे जाए। हम तो कहते हैं इको अपने मायके भेज दो, वहां ही जाकर ये चोर सिपाही का खेला खेलेंगी। अब बस बस, जेका देखो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह डायलॉग फेंके जा रहा है, कुछ हो पता नहीं, चील बिलौटा की तरह झपट पड़े। अरे हमको तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं लगती, माने छुटकी बहू के संस्कार ऐसे नहीं है।
साफ पता चलता है, और आप लोग अनाप शनाप सोचे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अभिनंदन भैया, हम क्या कह रहे हैं कि जो शुगर मिल की फैक्ट्री है ना, अब इसको बंद कर दी और माला वाला पहन के बाबा जी बन जाइए। भैया हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 1,000-2,000 करोड़ कमाने से आपको कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा। तो आपको समरवा की बात गलत लग रही है भैया? 2400 घंटा हमेशा एक चोर अपने घर में रहे तो कब का चुरा ले जाए, भैया सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक, हम सबको तो इस बात से सबक लेना चाहिए। घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, इतनी बड़ी बात अब दोबारा ना हो, दोबारा कोई ऐसी गलती करने का दुस्साहस ना कर सके। और छुटकी भाभी जी, अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको इतनी सी भी शर्म वरम आ रही हो ना, तो जाइए जाके अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और रफू चक्कर हो जाइए इस घर से। कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। और आप लोगों ने जो अपनी ये अदालत लगा रखी है ना, इसको बंद कीजिए। अगर ऐसे एक मिनट में सही गलत रहने न रहने का फैसला होने लगे तो इस घर में कोई रहने के लायक नहीं बचेगा। बात कर रही हैं आप समर के फैसले और आप लोगों के आदेश से यह घर नहीं चलेगा। हमें पता है कौन कितने पानी में है, और ना ही ऐसे रिश्ते बनाए और तोड़े जाते हैं। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इस बात का फैसला करने के लिए अभी हम जिंदा है। कप्तान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसी कुकुर झोंझो होती रही तो कैसे चलेगा। हर परिवार की एक मान मर्यादा होती, इसे कैसे कोई भूल सकता है। अरे समाज है, उसके आगे हर बात का नापजोक होता है, अमल में लाने का एगो तरीका होता है। ऐसे नहीं कि ताओ में आ गए और कुछ भी बकते। बलबल जेमा, तुम दीन बंधु जी को फोन करो और उनसे बोलो कि आकर हमसे मिले। आप घर पे फोन मत कीजिए प्लीज। काहे के प्लीज, ये बतिया पैसवा पे हाथ साफ करे पहले ही सोचे हो तू, तब तक ना सोचो। काहे नहीं करेंगे बलबल भैया फोन, वैसे भी ये बात तुम्हारे घर पे पता चल ही जाएगी और चलनी भी चाहिए। तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले कि आखिर उनकी बेटी ने, उनकी इतनी संस्कारी बेटी ने इस घर में क्या गुल खिलाए। आप लोग अभी उन्हें कुछ मत बताइए, हम खुद ब खुद उन्हें सब कुछ बता देंगे। मालूम है क्या बताओगी तुम? बता देंगे बड़का। समर बोलो। जानता हूं कि जो इस घर में हुआ है उसके बाद मैं सिया जी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। किसी के अच्छे और बुरा लगने के लिए हम अपने ईमान और धर्म को नहीं बदलेंगे, ये बात हम पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर चोरी करने वाला अपनी इच्छा से लाकर हमारे हाथ में पैसे रख देगा तो हम उसे कोई सजा नहीं देंगे। इसलिए इस बात का मान रखा जाएगा। और छुटकी बहू को इस घर से निकालना नाजायज हो, इसलिए हम छुटकी बहू को कोई सजा नहीं देंगे। हाँ,
उसके पिताजी से हम बात करोगे। ये इस घर में नहीं रह सकते और इन्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। मैं सिया जी के साथ इस घर में नहीं रह सकता।